तो नमस्कार आप सभी का आर्ट एंड क्राफ्ट के एक और सेशन में। मगर आज हम तो थोड़ा कुछ अलग करेंगे। हम आर्ट एंड क्राफ्ट, अलग अलग तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं, मगर उसका इतिहास भी थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारा देश देखे तो हर किलोमीटर पे अलग अलग आपको क्राफ्ट देखने को मिलेगा। आपको क्राफ्ट हमारे देश में हर स्टेट में अलग क्राफ्ट देखने को मिलेगा, मगर इसकी एक नींव किसने रखी, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आज हम क्राफ्ट नहीं, मगर उनके बारे में, एक शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से आज कहीं ना कहीं हम हमारे देश में जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर आप देखें कपड़े, आप कपड़े हैं जो आप लोग चिकन के सूट पहनते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के हाथ की बुनाई, और इन चीजों पे उन्होंने बहुत ही ध्यान, और ये नहीं कि बहुत अर्ली, हमारे इंडिपेंडेंस से बहुत पहले से उन्होंने शुरू किया इस चीज को, और इसकी अहमियत उन्होंने समझी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना, जरूरी है, और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों की रोजगारी से जुड़ी हुई है और हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है इस चीजों से। तो आज हम ऐसी एक शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारी एक नींव रखी, और उनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो आज हम कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के नाम पे उनके बारे में जानेंगे। आज हम क्राफ्ट सेशन नहीं करेंगे, आज हम इस चीज को जानेंगे कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो आज कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत अच्छी तरह से, हर देश में अगर आप देखिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, और दिल्ली फरीदाबाद में आप जाने तो एक बहुत बड़ा सूरजकुंड मेला होता है, जहाँ पे अलग अलग देश से लोग आते हैं, है ना, और अपने कारीगरी दिखाते हैं। कोई मट्टी से दिखाता है, कोई लकड़ी से दिखाता है, कोई बांस से दिखाता है ना, और कपड़ों से दिखाते हैं। कितने सुंदर सुंदर हमें कलर कलर अलग अलग कलर के कपड़े पहनने को मिलते हैं, उनमें हाथ की कारीगरी होती है। तो ये जो जितना भी ये देन है जिनकी बात कर रहे हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय की, उनकी कहीं ना कहीं इसमें इतिहास उन्होंने इसमें रचा है, और उनके बारे में आज हम जानेंगे, और मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगा, और उनके कार्यकाल में उन्होंने कितनी चीजें की हमारे लिए, और कितने अलग अलग चीजों में उन्होंने भागीदारी दिखाई। तो जब हम कमला देवी चट्टोपाध्याय जी की बात करते हैं, तो वो 3 अप्रैल 1903 में पैदा हुई थी। उन्होंने बहुत अपने अर्ली एज से, 16-17 साल से वो बहुत एक्टिव रही चीजों में, फ्रीडम स्ट्रगल में। जब उनके बारे में हम जान जब एक एक लाइन में अगर हमें बताना हो कि कमला देवी चट्टोपाध्याय कौन है, तो वो ये रहता है कि वो एक सामाजिक सुधार, जो हमारे इंडियन सामाजिक सुधार जिसको हम कहते हैं इंडियन सोशल रिफॉर्म एंड फ्रीडम एक्टिविस्ट, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और वो पहली लेडी बनी है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट लेडी, ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। उन्होंने इस अपने हक के लिए, क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी, और यू नो नारी व्रता जिसको कहते हैं, सो फेमिनिस्ट, और उन्होंने बहुत ज्यादा यू नो वुमेन्स पे काम किया, और उनकी भागीदारी के लिए और बराबरी के लिए। तो मैं एक छोटा सा हल्का सा एक पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी हो हमारे बच्चों को, और ये बहुत जरूरी है बच्चों हमारे लिए जानना कि हमारी जो नींव रखी गई है ये क्राफ्ट की, जो जिससे कितनों को रोजगार मिलता है ना, और इन चीजों पे। तो इनके बारे में एक छोटी सी वीडियो पहले देखते हैं।
आप लोगों ने देखा उनके बारे में, और इसमें थोड़ी थोड़ी लाइनें भी लिखी गई थी कि उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट के रिवाइवल के लिए और लेडी अर्विन पॉलिश के बारे में भी, मैं भी आगे और बताऊंगा उनके बारे में। और इनका जो योगदान रहा है इनके बारे में, उन्होंने हरदम नारी के बराबरी के, मतलब प्री इंडिपेंडेंस मतलब जब हम आजाद नहीं थे उस समय से ही वो नारी की बराबरी की हिस्सेदारी की बात करती थी। और अगर आप भी आपने देखा हो तो एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि आप सबने सुना होगा कि डांडी मार्च हुआ था, जो कि सॉल्ट सत्याग्रह नमक के लिए गांधी जी चले थे। तो उसमें जब उन्होंने एक बात रखी गांधी जी के आगे कि नारियों को भी इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है, तो गांधी जी ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग आइए, जो भी जो गाने वाने होंगे उनके लिए आप लोग आगे चलिए, और जो भी साइड सपोर्ट का जो काम होता है उसके लिए भी आप आइए, बिल्कुल नारी का हिस्सा। तो उन्होंने बोला नहीं, ये बात नहीं, हमें बिल्कुल साथ में साथ कंधा मिला के चलना है, और ये एक आपका जो ये डिसीजन होगा ये इतिहास रचेगा और नारी शक्ति की एक बात की आवाज रखेगा। तो अगर आप देखें कभी भी डांडी मार्च की, या तो हमारे दिल्ली में जितने लोग हैं तो 11 मूर्ति में, तो उनके साथ गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू साथ में ही आपको दिखेंगी, कभी ज्यादा से ज्यादा फोटोज में आपको वो दिखेगा। वो नारी शक्ति की, जो गांधी जी ने इस बात को समझा और इस चीज को एहसास किया कि जो उन्होंने बात बोली, और सरोजनी नायडू जी इनकी कजन होती थी और बहुत पॉलिटिकली ये अपने आप को हरदम कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि उस जमाने में नारी शक्ति की बात करना, और अभी भी हम लोग काफी इन चीजों पे अगर देखें तो आज के जमाने में 21वीं सदी में सब बराबर हैं, मैं तो ये मानता हूँ, और हम कंधे से कंधा मिला के सब चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जी की देन है, और उस समय में उन्होंने जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आर्ट एंड क्राफ्ट प्री इंडिपेंडेंस है ना रिवाइवल, जो उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवाइवल जो इन्होंने किया, और उसके बारे में जो हमारे बहुत, अगर आपको एक और चीज, जो हमारा फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद, इन्होंने फरीदाबाद को बसाया, 40,000 जितने भी वहां से जो हस्तकला वाले लोग आए थे पाकिस्तान से, तो उन्होंने वहां पे उन लोगों को जगह दी, और ये फरीदाबाद जो है उनकी देन है, वहां पे लोगों को बसाया, और जिससे कि हम लोग आज इतनी सुंदर तरीके से मतलब कितनी अलग अलग चीजें देखते हैं, और सूरजकुंड मेला देख के बिल्कुल नहीं होता है ना, और हम लोग देख पाते हैं, और अलग अलग प्रांतों के लोग आते हैं वहां पे और करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं हल्का सा आपको उनके जीवन के जो ये, मैं तो एक अलग अलग चीजें बता रहा था, मगर एक छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन है उनके लिए, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको, और उसके साथ साथ बताना चाहूंगा उनकी अचीवमेंट। हम लोग ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हैं, और क्राफ्ट में उन्होंने कितना किया, और अलग अलग रिफॉर्म जो कहते हैं बोलो, जो सामाजिक सुधार की बात उन्होंने की इंडिया में, तो ये इनके बारे में जानते हैं, और एक छोटे से प्रेजेंटेशन के द्वारा। अगर देखें तो कमला देवी चट्टोपाध्याय इंडियन क्राफ्ट और कल्चर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, 1920 से 1940 तक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और उनकी बहुत सुंदर कोट है, लेट मैन लर्न टू बी इक्वल टू वुमेन फर्स्ट, तब उनका कहना है कि आदमियों को पहले वुमेन के, उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी कि औरतें घर में रहेंगी और मर्द बाहर काम करेंगे, सो उसके पे, और वो बराबरी की बात करती थी, सो एक उन्होंने कोट लिखा था कि मैन को सीखना चाहिए कि वुमेन के इक्वल आने की। उनकी जो बुक्स है ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट, कमला देवी चट्टोपाध्याय की किताबें जो उन्होंने लिखी, जैसे इंडियन थिएटर, जो ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ये इनकी देन है, इन्होंने उसी समय में इस चीज को भापा कि हमारे कल्चर को और हमारे सभ्यता को
और हमारे थिएटर्स जो एक माध्यम होते हैं बहुत एक मैसेज देने का और आसान से, जैसे आप देखें कितनी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, मूवीज आती हैं, वो हर मूवी एक मैसेज देती है, चाहे वो जीवन गाथा पे होती है किसी की, है ना। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है नेशनल थिएटर जो बताता है। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, हैंडीक्राफ्ट्स अगर आप बोले तो जितनी भी हस्त कलाएं हमारे हाथ की बनाई हुई है ना, मटके हुए मतलब ग्लास की जो बहुत ही यूपी में बहुत ज्यादा होती हैं, अगर आप जानते हो तो अलग अलग देशों मतलब स्टेट्स में अलग अलग है, मगर सबसे ज्यादा ये जो काम यूपी में भी बहुत ज्यादा होता है। सो वहाँ पे हमें बहुत डिजाइनर आजकल की बहुत सुंदर सुंदर प्लेट्स मिलती हैं जो यूपी से आती हैं। इंडियन वुमेन बैटल फॉर फ्रीडम, सो ये उनका बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि है ना, जो बराबरी की हिस्सेदारी की वो बात करती थी। इंडियन कारपेट्स एंड फ्लोर कवरिंग, जैसे अगर आप देखें तो हमारी कश्मीर की जो कारपेट्स है बहुत मानी जाती है, प्लस अलग अलग यहाँ पे यूपी में बहुत फेमस है ना, जो ये कारपेट्स हैं यूपी की वैसे ही कश्मीर की हैं। सो इन चीजों पे, क्योंकि यहाँ ये जो चीजें हैं ये हमारी लाइवलीहुड मतलब हमारी आम जिंदगी के जो रोजगार से जुड़ती हैं, और ये हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की, कहीं बांस का काम होता है कहीं, तो इन सभ्यता इन्होंने इस कल्चर को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वैसे एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है, जैसे मैंने कहा कि चिकन का काम, और इसके लिए तो लखनऊ सबसे ज्यादा फेमस है, और आप लोग सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग कुर्ता उर्ता पहनते हैं, तो उसमें कुर्ते में जो चिकन का जो काम है, वैसे ही एम्ब्रॉयडरी का है ना, बहुत अलग अलग तरीके की चिकन में, एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोग के लिए। सो ऐसे हैंडीक्राफ्ट जो हुए, अलग अलग तरीकों के कपड़े बनाना जो हैंडमेड्स होते हैं, ये भी हमारा यूपी में बहुत ज्यादा बड़ा एक्सटेंशनली काम होता है। फोक डांस जो हमारा हर कल्चर में हर स्टेट में अलग है, इस ट्रेडिशन को उस जमाने से जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, मगर वहां से उन्होंने इस चीज को इस पे काम किया, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इन्होंने बहुत बहुत ही ज्यादा इसमें काम किया, और इस चीज को इन्होंने बाहर देश में, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो बाहर देश में इसको बहुत ज्यादा हमारे काम को इन्होंने बताया लोगों को और देशों में दिखाया कि मतलब जो हमारी रीच है, हमारी जो सभ्यता है हमारे, उस चीज को इन्होंने काफी अच्छी तरह से दिखाया। इसके साथ साथ इनकी जो रुचि थी वो इन्होंने खुद भी फिल्म बनाई, और उस जमाने में हमारी जो मूवियां होती थी वो साइलेंट होती थी बिना आवाज के, अगर आपने चार्ली चैपलिन की मूवी देखी हो, मगर उसमें बहुत जो उनका एक्सप्रेशन होता था व्यक्त करने का तरीका, उसी से मतलब हमें पूरी स्टोरी साइलेंट मूवी। सो दो बहुत बड़ी बड़ी, एक सबसे पहले उन्होंने कन्नड़ इंडस्ट्री में साउथ में काम किया, फिर एक हिंदी मूवी जिसका नाम तानसेन जो है उसमें उन्होंने काम किया, और ऐसे ही अलग अलग मूवी में शंकर और पार्वती में उन्होंने काम किया, खुद भी हिस्सा ले रही थी इन चीजों पे क्योंकि इनकी अपनी रुचि थी। और अगर आप देखें, मैं उसी से आगे चलता हुआ, जो हमारा बहुत ही एंशियंट संस्कृत डांस फॉर्म है ना, केरला का कुटियम, सो इस चीज पे इन्होंने खुद भी इनकी बहुत पढ़ाई की और स्टडी की, और रुचि इनकी अपनी रुचि थी इन चीजों पे। जब जैसे आप लोगों की आज आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि है, और आप लोग देखेंगे इसीलिए आप हर वेडनेसडे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, है ना, तभी हम लोग दूसरे को सिखा भी पाते हैं। तो जब अब हमारे पास रुचि नहीं होगी तो फिर हम कैसे दूसरों को प्रभावित करेंगे इस चीज़ से। तो ये जब खुद आप जानेंगे उस चीज के बारे में, पढ़ेंगे, तभी ये चीज आप कर सकते हैं। सो अगर आप देखें ये जो हमारी कलाएं, अलग अलग चित्र दिख रहे होंगे, है ना, इनकी इनको इनकी रिवाइवल में बहुत ज्यादा उनका हाथ रहा। और अगर मैं इस चीज़ के बारे में बताऊं तो मतलब इन्होंने इस चीज़ में बहुत ही एक्सटेंसिवली बहुत काम किया है। कलंकारी, जैसे ये कलंकारी जो है सबसे आगे वाला जो आप देख रहे हैं, सो इसमें इन्होंने बहुत सारे जो एक तरह से उस जमाने में खत्म होती जा रही थी हमारी, कहते हैं कि मतलब मुश्किल से 1000 लोग भी नहीं बचे थे, तो इन्होंने उसको रिवाइव किया, और धीरे धीरे ये जो हमारी इतिहास है, जो हमारा कल्चर का इतिहास, और हमारे जो इन्होंने धीरे धीरे करते हुए 1000 से लोगों को धीरे धीरे ढूंढ के निकाल के उनको, और इसको रिवाइव किया, और
पहले दशक में 1000 इन्होंने लोग दोबारा ढूंढे, और उसके बाद इस चीज में इन्होंने प्रमोशन की और काफी हैंडीक्राफ्ट और उसमें इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई जिससे कि इस चीज को हम रिवाइव कर सकें। और वैसे ही देखिए, अगर हम कहें तो एक हमारी बहुत सुंदर चीज है कि शिल्पकारी जो हम लोग करते हैं चीजों में अलग अलग, और इसमें हमारी बहुत, अगर आप हमारे इतिहास को भी देखें और हमारी जितनी भी हेरिटेज देखें तो उसमें हमें कहीं पे भी जाइए, चाहे आप लाल किले जाइए, ताजमहल देख लीजिए, तो इसमें हमारी तो बहुत ही ज्यादा हमने लैंडमार्क रखा है और बहुत ही सुंदर, इसको दूर दूर देश से लोग देखे भी आए सीखा है ना। सो कमला देवी ने इस चीज को बाहर देशों में, और जैसे फरीदाबाद में जो मैं बता रहा था रिहेबिलिटेशन किया 50,000 क्राफ्ट मैन का, वहां पे वो ले गए उन्होंने नकल, पाकिस्तान जो पार्टीशन आए थे ये उस चीज को दर्शाते हुए वो लोग काम करते हुए ये चित्र है। वैसे ही इन्होंने, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को दांडी मार्च में वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए इन्होंने मार्च किया है ना, उन्होंने एक्टिविस्ट थी वो मानती थी और ब्रिटिश, और वो जेल भी गई उन्होंने। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि इस चीज को गूगल ने भी देखा और उन्होंने माना, और उनके 115वें एनिवर्सरी में, बर्थ एनिवर्सरी में गूगल ने उनको, जो अगर आप आजकल देखते हैं कभी कभी जब गूगल खोलते हैं तो अलग अलग दिन में कुछ ना कुछ नई नई चीजें दिखती हैं आपको, तो ये वो लोग होते हैं या कोई मतलब दिन होता है जिसको बहुत माना हुआ दिन होता है तो उसको गूगल समर्पित करता है पूरा दिन, उनकी चित्र लगा के या उनकी चित्र की कोई उनके काम को दर्शाते हुए उनको दिखाते हुए। कमला देवी चट्टोपाध्याय को फिर उन्होंने ये लिखा है कि राइटर, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रमोटर ऑफ आर्ट, बहुत सुंदर तरीके से, और अगर आप देखें तो काफी छोटी छोटी चित्र में उन्होंने दर्शाया हुआ है कि उन्होंने हमारे फोक डांस से लेके संगीत और जो मैंने दिखाया थिएटर को करते हुए आगे, सो गूगल ने भी उनको एक्नॉलेज किया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को अगर देखें तो 2018 में इंडियन नेशनल फाउंडेशन ने इनको इनके नाम पे एक अवार्ड किया है, नेशनल अवार्ड अपने उसमें किया है जिसमें वो उनके नाम पे पब्लिश कर, नॉन फिक्शन किताबें होती हैं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, तो इस पे वो एक उन्होंने अवार्ड रखा है। इनकी जो स्ट्रगल रही है अपने समय में, और मैं इनकी अगर बात करूं आगे, सो स्टार्टिंग में अगर मैं जाऊं तो मैं दिखाना चाहता हूं कि कितने इन्होंने अवार्ड जीते हैं, और अगर आप देखें पद्म भूषण, पद्म भूषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा भारत का बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं, तो मैं चाहता हूँ बच्चे इसको जाने क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि आपके सिलेबस वगैरह में जनरल नॉलेज में बहुत आता है। तो पद्म भूषण हमारा तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो अगर आप देखें 1966 में जीता है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है उसको आप लोगों ने सुना होगा, नोबेल पुरस्कार जो कहते हैं ना, सो नोबेल पुरस्कार फॉर एशिया कहते हैं उसको, तो 1966 में उन्होंने वो भी दिया है, और अपने बहुत ही लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। पद्म विभूषण देखिए 1987 में, ये हमारा दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि किसी भी आम आदमी को, जो सिविलियन अवार्ड जो हम कह रहे हैं आम आदमी को मिला जाता है, यूनेस्को ने इनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हैंडीक्राफ्ट में 1977 में अवार्ड किया है। मतलब यूनेस्को कौन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आर्ट एंड क्राफ्ट एक जरिया है, वो किसी देश का नहीं होता, ये कल्चर है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं। कमला देवी जी का जो एक अपना हैंडीक्राफ्ट और इन चीजों में, तो ये बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं और एक मूवमेंट इन्होंने चलाया, इनका जो योगदान रहा एक नारी शक्ति के लिए ये बहुत ही उस समय के लिए बहुत ही बड़ी बात है, और उस समय में उन्होंने कंधे से कंधा मिला के जो दांडी मार्च में चले वो सब, और आज उसी का कोई एक मतलब एक ये परिणाम है जो कि आज हम लोग इतना खुल के और कंधे से कंधा मिला के, मैन जो है वुमन जो सब कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करते हैं। तो इनके बारे में मुझे इतना ही बताना था, और मुझे आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल मुझे बताएं आप लोगों को। सर मुझे लगता है उन्होंने जो आर्ट एंड क्राफ्ट
पे जो बुक लिखी है ना उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो आर्ट और स्किल नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कमिंग कितनी भी जनरेशन इंडिया में आएगी ना, उनके लिए ट्रांसफर की हुई है। क्योंकि सर हमारे यहाँ वडोदरा में क्या है, एक यहाँ अलकापुरी के पास ही पार्टी थे ग्यारिया सयाजीगंज में, वहां पर बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन होता ही रहता है। जो लोग ये प्रोफेशन में इन्वॉल्व है ना, उनको अगर उनका जैसे उन्होंने बनाया फिर उनको बेचना हो तो कहाँ जाएंगे, तो देर इज अ प्लेस, वो पारसी अग्यारी का वो ग्राउंड है, वहां पर जिन्होंने भी बनाया इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है वो लोग आते हैं वहां पर बैठते हैं, और फिर वहां से मतलब बड़ौड़ा में सबको पता है, अगर इफ यू वांट टू टेक एनीथिंग लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट आर्टिकल तो वहीं से लेना। मैं किसी को गिफ्ट करना हो ना तो मैं हमेशा वहीं से जाती हूँ, तो बड़ौड़ा में बहुत ही फेमस है। और जिस तरह से सर वो जो क्राफ्ट है उनकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है ना, क्योंकि जैसे अभी वो करते करते इतने एज वाले हो गए, फिर उनके सन वही लाइक प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, तो उनमें भी इतनी नीटनेस होती है, उतनी खूबसूरती से वो आर्टिकल्स बनाते हैं, एंड इट इज पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये जो उन्होंने बुक लिखी है ना, कहीं ना कहीं उनको जरूरत जरूर पड़ती होगी, या जो उनको ट्रेन करता है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो लाइक जिन लोगों, इट डिपेंड ऑन द ऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्लास के कोई भी हो ना, लाइक स्कूल स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी काफी आर्ट एंड क्राफ्ट के लाइक टीचर्स चलाते ही है क्लासेस, तो उसमें भी बहुत ही अच्छी लाइक वेल सेटेड फैमिली की लाइक स्टूडेंट्स आते हैं, और वो लोग काफी इंटरेस्ट बनाते हैं, तो दे सर्च ऑन कि किस तरह से बच्चों को इजीली ट्रांसफर किया जाए ये क्राफ्ट, तो उसके लिए ये बुक काफी हेल्पफुल रहती है। सो इट इज लाइक वेरी हेल्पिंग फॉर लाइक कोई भी क्लास का हो, किसी बच्चे को कुछ सिखाना हो ना, तो लाइक एक बुक लिखनी मतलब उसके पीछे तो लॉट्स ऑफ रिसर्च वर्क चलता है, उसमें से बहुत ही सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स रहता है। आई थिंक इन्होंने पूरी बुक लिखी है, उनको कितनी मेहनत लगी होगी, एंड शी हैज ट्रांसफर्ड अ कल्चर, तो आई थिंक इनको तो जितनी बार याद करें ना उतना कम है। बहुत ज्यादा मैम, मैं ये देख रहा था कि उनके ऊपर कितना फॉरेन रिसर्च हुआ है उनके ऊपर, और उनकी जो वो विजनरी थी, उनकी जो सोच थी, बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने किताबें लिखी हुई हैं, उन्होंने हमारे जो कल्चर को हेड करते हुए पूरे वर्ल्ड में फैलाया इंटरनेशनली, उन्होंने वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उनकी देन है ना, लेडी इरविन कॉलेज में इनका भागीदारी रही है, इनकी जो रीच थी सोचने की कि हमारा जो कल्चर है उसको कैसे हम मतलब लुप्त ना होने दे, खत्म ना होने दे, कहीं ना कहीं इस चीज को हमें दिखाना है दुनिया में। और एक चीज तो मैं भी मानता हूँ कि हर कुछ किलोमीटर में हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतनी इतना वास्ट कल्चर है, डाइवर्स है, हम लोग इतनी सुंदर सुंदर जगह देख, कहीं पे बांस का काम है, कहीं पे मिट्टी का काम है ना, कहीं पे कपड़े का काम है, तो अलग अलग चीजें हैं हमारे देश में, और लोग इसी को देखने भी आते हैं, और इन चीजों को उन्होंने उसी जमाने में उस समय में इस चीज को समझना, मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है, और बहुत बड़ी सोच थी और बहुत विजनरी थी वो इस चीज। और सर ये जो किस टाइम में उन्होंने लिखा था और किस टाइम में वो यूज हो रहा है, क्योंकि किसी को सिखाना मतलब एक टीचर के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो खुद में परफेक्शन लाना चाहिए, वो खुद में परफेक्शन लाता है फिर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, तो खुद में परफेक्शन लाने के लिए वो कितनी बार उसने वो सेम सेंटेंस आई थिंक 100 times उसने रीड किया होगा, और खुद में परफेक्शन लाया होगा तब जाके वो आगे ट्रांसमिट कर पा रहा है, एंड दैट द करंट टीचर्स आर डूइंग। तो लाइक उस टाइम पे उन्होंने जो सोचा होगा कि आगे जाके लाइक वो अभी हम काफी इजीली यूज कर पा रहे हैं उसको, सो आई थिंक कितनी थॉट्स दी होगी उन्होंने लिखने में। परफेक्शन लाने के लिए टीचर्स को बहुत ही रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए तो सबसे पहले अपनी खुद की कंट्री के रिसोर्सेज इतने अवेलेबल होने चाहिए कि एक टीचर अपने खुद के अंदर परफेक्शन ला सके, देन वो नई जनरेशन कल्टिवेट कर सके। तो एटलीस्ट उस टाइम के लोगों ने एटलीस्ट हमारे लिए रिसोर्सेज काफी कल्टिवेट करके रखे है, तो हमारे लिए काफी आसान है कि हम हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, वरना अभी हमें रिसोर्सेस बनाने पड़ते हैं, जो हमें बनाने के बिल्कुल, और बहुत ही इजीली हम अपने अंदर परफेक्शन ला पा रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने इस चीज को समझा कि हमारा जो क्राफ्ट और कल्चर है जो कि लुप्त हो रहा है, उसको उन्होंने उसी वक्त डॉक्यूमेंट भी किया, कितनी तो हो चुकी है तब भी उन्होंने उस चीज को डॉक्यूमेंट किया कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें, और जो
आर्ट एंड क्राफ्ट का जो एजुकेशन फील्ड में जो फर्दर स्टडीज करते हैं वो इनको इनको पढ़ना ही पड़ता है उनको, क्योंकि इनकी जो इतनी वास्ट रीच है अलग अलग, जैसे मैंने जो अभी बुक के बारे में बताया आपको, तो वो सारी रीच करनी पड़ती है उनको, पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्ड वर्क बताया गया उनका। सो एक रिसर्चर के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इनको पढ़ना। सो आई थिंक, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगले सेशन में हम लोग क्राफ्ट सेशन में मिलेंगे दोबारा। मैं हर महीने में एक सेशन में इस पे लूंगा, अलग अलग जो हमारे इतिहासकार हैं जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट पे बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, तो उन पे मैं एक चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि अगर हम देखें कि हम 75th ईयर में है हमारे, है ना, और इंडिया एट 75 जो एक सीरीज हम चला रहे हैं आरजीएफ में, राजीवानी फाउंडेशन, तो उसकी एक ये पहल है कि हम ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने हमारे जो कल्चर में बहुत बड़ा योगदान दिया है, सोशल सेक्टर में जो बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे कि बहुत सारे लोगों को रोजगार है उससे आज की डेट में, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों को जानने के लिए। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ये सेशन सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, हफ्ते में महीने में एक सेशन में जरूर ऐसा एक रखूंगा इंटरेस्टिंग सा, और उसको अच्छी तरह से उनके बारे में और बढ़िया बेहतर, और अगर कोशिश ये भी करूंगा कि इसमें स्पीकर्स आए जो थोड़े पुराने इतिहासकार हैं, जो कि उनकी अलग अलग इंटरेस्टिंग बातें हमें साइड वाली बातें भी बता सकें, जो कि उनका कितनी वो मजेदार लोग हुआ करते थे, काम भी करते थे तो कितने हसमुख थे और कितने मेहनत के साथ काम करते थे। तो इसके साथ मैं आज का सेशन खत्म करना चाहता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।